क्या मैं YouTube पे वीडियोस बना सकता हूं? मैं कैमरा को फेस कैसे करूंगा, बोलूंगा क्या? अगर लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, अगर मेरा मजाक उड़ा, मैं YouTube पे वीडियोस बनाऊं क्यों? और क्या ये एक राइट टाइम है YouTube पे आने का? ऐसे कई सवाल आपके माइंड में आते होंगे जिसकी वजह से YouTube पे वीडियोस डालने की जो आपकी विश है वो विश रह जाती है, वो रियलिटी में बदलती नहीं है। कारण अपना अपना हो सकता है। कोई YouTube पे आना चाहता है एक्टिव इनकम के लिए, कोई पैसिव इनकम क्रिएट करना चाह रहा है, कोई अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाह रहा है, कोई पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाह रहा है, कोई शौक के लिए आना चाह रहा है, कोई फेमस होना चाह रहा है, कोई अपने कॉन्फिडेंस की वजह से आना चाह रहा है। लेकिन जो भी आपकी विश है, जो भी आपका कारण है, उसको रियलिटी में बदलने के लिए अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपनी रिसर्च के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 टिप्स। 5 टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी YouTube पे स्टार्ट करने के लिए, फर्स्ट वीडियो डालने के लिए और ग्रो करने के लिए। जब मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो YouTube पे डाली थी, ना मेरे पास उस टाइम पे एक्सपीरियंस था, ना एक्सपर्टीज थी, ना पैसा था, ना टीम थी, ना एडिटिंग आती थी, ना अच्छा कैमरा था, ना लाइटिंग थी। एक चीज थी, वो थी हिम्मत। ये हिम्मत मुझे आपकी तरफ से चाहिए। हिम्मत आपकी और 5 टिप्स मेरी, ये दोनों मिलके आज आपकी शुरुआत करवा देंगे। सो समझते हैं YouTube का ये आर्ट, और पहली टिप से करते हैं स्टार्ट। इंडिया में इस टाइम पे अराउंड 60 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसमें से 30 करोड़ लोग वीडियोस देखते हैं। 2023 तक यानी 3 साल में इंटरनेट यूजर्स 90 करोड़ हो चुके होंगे, वीडियो यूजर्स 50 करोड़ हो चुके होंगे, टोटल 56 करोड़ वीडियो यूजर्स होंगे। जहां पे एक तरफ हमें पता है इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वीडियोस ग्रो कर रही है, इंटरनेट ग्रो कर रही है, हमारे देश में ग्रो कर रही है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट हम तभी ले पाएंगे अगर हमारे पास प्लान होगा। कोई नींद उड़ा के बैठा है, कोई चैन उड़ा के बैठा है, ग्रो वही करता है जो प्लान बना के बैठा है। आपका क्या प्लान है, आपका क्या कारण है, आप क्यों YouTube पे स्टार्ट करना चाहते हो, क्या है जो आप अपनी ऑडियंस को दे? देना चाहते हो क्या है जो ऑडियंस को दिखाना चाहते हो, उनके साथ शेयर करना चाहते हो, एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हो, व्लॉगिंग दिखाना चाहते हो, आप म्यूजिक शेयर करना चाहते हो, कोई टैलेंट, कोई हॉबी दिखाना चाहते हो, नॉलेज देनी चाहते हो, बातचीत करनी चाहते हो, एक्सपीरियंसेस बांटना चाहते हो, फन करना चाहते हो, व्हाट आर द थिंग्स जो आप अपने ऑडियंस को देना चाहते हो, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, किस कारण से देना चाहते हो, इसके पीछे का रीजन क्या है? सेटिस्फेक्शन है, पैसा है, पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहते हो, एक साइड इनकम आती रहे, मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हो, यार जिंदगी में कुछ नया करना है, मशहूर होने के लिए कर रहा हूं, फेमस होने का शौक है, मुझे अपना बिजनेस बिल्ड करना है, मुझे अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है। और ये मैं समझता हूं कि शायद आप डिटेल्ड प्लान ना बना पाओ, आप पूरी तरह से अगले 5 साल 10 साल को डिफाइन ना कर पाओ, अगले 1 साल को डिफाइन ना कर पाओ, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका प्लान फूल प्रूफ होना चाहिए, आपका प्लान अगले 1-2 साल 5 साल का होना चाहिए, एटलीस्ट पहली वीडियो का प्लान तो हो। ये तो आइडिया। कि पहली वीडियो के साथ मैं क्या अचीव करना चाह रहा हूं, चाहे सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए कर रहा हूं, यार एक बार ना पानी के अंदर जाके देखना है पानी का टेम्परेचर कैसा है, एक बार वीडियो बना के देखनी है कि एक्सपीरियंस कैसा है। लेकिन प्लान तो है कि मुझे वीडियो क्यों बनानी है और क्या बनानी है। चाहे आपके पास अभी अपने चैनल का डिटेल्ड प्लान नहीं है, लेकिन पहली वीडियो का प्लान बनाओ, शुरुआत करो, डिटेल्ड प्लान बनता जाएगा। मेरे YouTube ट्रेनिंग प्रोग्राम में जितने स्टूडेंट्स हैं सब अपना प्लान बना के चलते हैं। साहिल मिश्रा अपने म्यूजिक को लोगों तक शेयर करना चाहते हैं, उसका प्लान है। यूनिक सुमित अपनी टेक्निकल स्किल्स को लोगों तक शेयर करना चाहते हैं, उसका प्लान है। मैंने जब अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई थी, पहले दिन से मेरा प्लान मेरे पास क्लियर था। वो प्लान चेंज हुआ, कई तरह की इटरेशंस हुई, कई तरह की वेरिएशंस आई, कई तरह की डाइवर्सिफिकेशंस आई, लेकिन प्लान डे वन पे था। दोस्तों मैं क्यों पहले पॉइंट पे, पहली टिप में प्लान को इतना स्ट्रेस दे रहा हूं? वीडियो ही तो बनानी है, प्लानिंग नहीं भी है तो क्या होगा? क्यों? क्योंकि प्लान से आपको आपका कारण क्लियर होता है, वाई क्लियर होता है। जब कारण होता है ना, हम हिम्मत करते हैं, हम एक्शन लेते हैं, हम स्टेप लेते हैं। जब सुबह उठने का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होता है, हम उठ जाते हैं। जब पेट भूख का कारण देता है, हम खाना खा भी लेते हैं और खाना बना भी लेते हैं। जब किसी टॉपिक में, किसी सब्जेक्ट में
कारण जुड़ जाता है ना, हम उसके अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। इसलिए ये प्लान आपके लिए जरूरी है, चाहे बहुत बढ़िया बनाओ चाहे बेकार प्लान बनाओ, चाहे पूरे चैनल का प्लान बनाओ, आने वाली जिंदगी का प्लान बनाओ, चाहे सिर्फ अपनी पहली वीडियो का एक बेसिक सा रफ सा चार लाइन का प्लान बनाओ, लेकिन प्लान जरूर बनाओ। अब अगर तो चुप करना है तो सेटअप चाहिए, लेकिन आगे बढ़ना है तो सेटअप चाहिए। अब सेटअप की बात करें तो पहली वीडियो पे हमारा पर्पस कोई सुपर प्रोफेशनल हाई एंड सुपर क्वालिटी वीडियो बनाना नहीं है। पहली वीडियो का पर्पस है एक्सपीरियंस करना, इस चीज को समझना, अपनी कंफर्ट को तोड़ना और कुछ नया ट्राई करना। तो पहली वीडियो पे हम सिर्फ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ टिप्स आपको दे रहा हूं, अगर आपके पास कैमरा, लाइटिंग, इक्विपमेंट्स, माइक्रोफोन, एडिटिंग टूल्स, ये चीजें नहीं है तो बेसिक चीजें आपको चाहिए। आप किसी भी फोन से शूट कर सकते हैं। अगर आपके फोन की क्वालिटी कम है, बहुत महंगा फोन नहीं है लेकिन लाइटिंग अच्छी है तो वो अच्छी क्वालिटी देगा। लाइटिंग अच्छी कैसे होगी, सिंपल सी चीज है, डेलाइट। डेलाइट से अच्छा कोई लाइट का सोर्स नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं, ये मैं दो लाइट्स के आगे खड़ा हूं, ये तकरीबन 15,000 से 20,000 की लाइटिंग है। और अब सेम कपड़ों में, सेम फोन के साथ मैं डेलाइट में खड़ा हूं और डिफरेंस देखो। सो आपके घर में जहां भी सामने से डेलाइट आती है, आप वहां पे बैठ के वीडियो बना सकते हैं, सामने अपना फोन रख सकते हैं और एक अच्छी वीडियो क्रिएट हो जाएगी। एक चीज का ध्यान रखना, आवाज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बहुत प्लस माइनस हो भी जाए, वॉइस क्वालिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो बात है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो वॉइस के। जब मैं स्टूडेंट थी तो बहुत लंबे लंबे एसेज लिखा करती थी जिसमें बहुत टाइम लगता था, पर अब मैं शॉर्ट ईमेल्स और मैसेजेस लिखती हूँ पूरा दिन हर रोज। ग्रामरली ने इसमें मेरी बहुत मदद की। So, ध्यान रहे उस टाइम पे शूट करो जब आपके आसपास शोर कम हो। बहुत बार मैं वीडियोस में देखता हूँ पीछे फैन चल रहा है, उसकी आवाज आ रही है और ऑडियो का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। इस तरह की चीजें, फैन, एसी को बंद करके शूट करो। और अगर आपकी वीडियो का कंटेंट स्ट्रक्चर्ड है, प्लान है, जैसे कि आप बुक ट्यूबिंग कर रहे हो या आप कोई टेक्निकल वीडियो बना रहे हो या फिर एजुकेशनल वीडियो बना रहे हो, अगर आपके पास पहले से कंटेंट का प्लान है, स्ट्रक्चर है, तो उसके पॉइंटर्स अपने आसपास रखो सो दैट कोई भी चीज मिस ना हो। इस वीडियो में कौन से 5 पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर करने, वो पॉइंटर्स मेरे सामने हैं ताकि मैं लास्ट में देख लूं कि मैंने 5 क्या ज्यादा हो रहा है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कॉन्शियस हो रहा है, ये सारी चीजें आपकी फर्स्ट वीडियो में हो सकती है। और ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, ये पार्ट ऑफ जर्नी है हर यूट्यूबर की। आप किसी भी सक्सेसफुल यूट्यूबर की पहली वीडियोस उठा के देख लो, आपको जमीन आसमान का डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये उनके साथ भी हो रहा था, वो भी इसको डील कर रहे थे। एक साइंटिस्ट पहले एक्सपेरिमेंट पे इन्वेंशन नहीं कर लेता, कर करके पहला दूसरा तीसरा बेटर होता जाता है और एक शानदार एक्सपेरिमेंट तक पहुंच पाता है, इन्वेंशन कर पाता है। कोई भी प्लेयर पहली बॉल पे सुपर फाइनेस्ट वर्ल्ड क्रिकेटर नहीं बन जाता, वो खेल के एक एक्सपर्ट क्रिकेटर, एक एक्सपर्ट फुटबॉल प्लेयर बन जाते हैं। आपकी भी फर्स्ट वीडियो वो स्टेपिंग स्टोन है, वो शुरुआत है, पहला स्टेप कि अपनी पहली है, ये पार्ट ऑफ जर्नी है। आप पहली राइट ट्रैक की और जो लोग नेगेटिव कर रहे होंगे वही लोग आपकी वीडियोस भी देख रहे होंगे। सो हर किसी को इस जर्नी से निकलना है। सो जिन्होंने किसी भी फील्ड में, लाइफ में कुछ भी करना है वो उनकी परवाह नहीं करते जिन्होंने कुछ नहीं करना है। एक टिप आपको और दे रहा हूं कि जब आप शूट कर रहे होते हो तो उस टाइम पे कुछ ज्यादा बोल गए तो प्रॉब्लम नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। कई बार आपको लगेगा यार इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बोलू ना बोलू, बोल दो। एक्स्ट्रा बोल गए हो जब आप कटिंग में बैठोगे, ट्रिम करोगे अपनी वीडियो को, तो जो एक्स्ट्रा लग रहा है उसको निकाल सकते हो।
बड़ी फुटेज को छोटा करना प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर फुटेज ही छोटी होगी तो बाद में रिग्रेट होगा, काश मैंने और बोल दिया होता। कोई भी बॉलीवुड मूवी जब बनती है, कोई भी वेब सीरीज बनती है, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा शॉट्स लिए जाते हैं और बहुत कुछ ट्रिम करा जाता है उस एडिटिंग प्लस व्यूज है, लेकिन बेसिक सॉफ्टवेयर से बनी है, फोन से एडिट हुई है। तो बेसिक सॉफ्टवेयर्स आप यूज कर सकते हो, जैसे कि मूवी मेकर यूज कर सकते हो, काइन मास्टर यूज कर सकते हो, इन शॉर्ट कर सकते हो, शॉर्टकट कर सकते हो इन सॉफ्टवेयर्स के साथ। आप अपने डेस्कटॉप से या फोन से वीडियोस को एडिट कर सकते हो। अगर आप YouTube के फील्ड में इंटरेस्टेड हो, इसको डिटेल में समझना चाहते हो, तो नीचे एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम समझना उस हिसाब से है। तो आप भी अपनी वीडियोस को जब ट्रिम करते हो अपने सामने से, उसके हिसाब से कि ऑडियंस का इंटरेस्ट कहां लूज हो रहा है, वहां पे आप कोई टेक्स्ट डाल सकते हो, विजुअल डाल सकते हो, कोई वीडियो डाल सकते हो और ऑडियंस के इंटरेस्ट को कैप्टिवेट कर सकते हो। ये बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हो आपकी वीडियो ग्रो करे, परफॉर्म करे। एक चीज और आप कर सकते हो, सेकंड ओपिनियन ले सकते हो, दूसरों की राय ले सकते हो, अपनी वीडियो को दूसरों को दिखा सकते हो कि तुझे क्या लगता है इस वीडियो में और क्या किया जा सकता है, कहां तेरा इंटरेस्ट बन रहा है, कहां तेरा इंटरेस्ट लूज हो रहा है। आपको पता है एक टॉप मूवी कभी खुशी कभी पे जाएगी दोबारा में गई करनी है। अब हमारी मेहनत, हमारा बच्चा, हमारी वीडियो मैदान में उतरने के लिए तैयार है। अब बारी आती है अपलोड की। अपलोड में मैं देखता हूं बहुत सारे जो लोग नया YouTube पे चैनल बनाते हैं, बस वीडियो अपलोड करी और रुक गई और ऐसी वीडियोस कभी भी परफॉर्म नहीं करती, आपके सामने नहीं आती। अपलोडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, जैसे कि थंबनेल। थंबनेल इतना इंपॉर्टेंट है कि मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में पूरा सेक्शन इसको डेडिकेटेड है। कलर्स कैसे डिसाइड होंगे, क्या लिखना है थंबनेल पे वो कैसे डिसाइड होगा, ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, कॉपीराइटिंग कैसे वर्क करती है, तब जाके एक अच्छा थंबनेल बन सकता है। ये समझना जरूरी है कौन से थंबनेल चलते हैं, कौन से नहीं चलते। अभी ऑफ कोर्स मैं पूरी डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन अभी आपको मैं ये जरूर बताऊंगा कि जैसे मूवी का जो पोस्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे डिसाइड होता है मूवी कैसी होगी और आप देखोगे या नहीं। इसी तरीके से अपने थंबनेल को हमेशा सीरियसली लो। टाइटल बहुत जरूरी है, क्या मैसेज है जो वीडियो के अंदर है, लोगों को टाइटल से क्लियर हो, लोग वो वीडियो क्यों देखें, कितना रेलेवेंट टाइटल है। टैग्स, आपने जस्ट अनदर टैग्स लगा दिए या आपने देखा कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, लोगों की नीड से क्या मैच हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में कैसे आप अपनी वीडियो को डिफाइन कर रहे हो, इन चीजों को मिस मत करना। अपनी पहली वीडियो में सही, अपनी एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज के हिसाब से सही, जितना कर सकते हो, लेकिन छोड़ना मत इन चारों चीजों को बेस्ट यूटिलाइज करना। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि आपने पहली वीडियो अपलोड करी और आपके तो भाई साहब दिन बदल गए, रातों रात सक्सेस मिल गया, इंस्टेंट सक्सेस मिल गया। पहली वीडियो एक शुरुआत है, शुरुआत है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, शुरुआत है क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस की तरफ, शुरुआत है कुछ नया सीखने की तरफ, एक नए सफर। वीडियो आपके लिए और कंफर्टेबल होगी और समझ आएगी, फिर अगली वीडियो और आपको सक्सेस जो है वो ग्रो करता जाएगा, इंक्रीज होगा। बनाने की सोच रहे हो या सिर्फ एक वीडियो बनाने की सोच रहे हो, जो टाइम आपने इस वीडियो में लगाया और जो मैंने आपके साथ लगाया, इसको वेस्ट ना जाने देना, एक वीडियो को जरूर एक्सपीरियंस करना। आएगी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, सीक्रेट प्रोग्राम की डिटेल आप देख सकते हो कि आप उस कम्युनिटी का पार्ट कैसे बन सकते हो, जहां पे सारे वीडियो इन्फ्लुएंसर्स एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की वीडियोस देख रहे हैं, एक दूसरे के साथ परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरी ये विजन है कि जो भी लोग यूट्यूब पे ग्रो करना चाहते हैं, डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, उनको मैं ट्रेन कर पाऊं, मेंटर कर पाऊं। कम्युनिटी का पार्ट कैसे बन सकते हो, जहां पे सारे वीडियो इन्फ्लुएंसर्स एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की वीडियोस देख रहे हैं, एक दूसरे के साथ परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं।
Question. Would you build a website for a major brand with more than 200 million users using Wix? Well, we did. Hi, I'm Sivan. I'm an R&D manager here at Wix. Today, I want to show you how we use our own platform, creating some pretty complex functionalities that may surprise you. First, all of our web pages are Before Christ, ऐसे ही अब हो गया कि before COVID, after COVID. COVID के बाद ये जो समुद्र मंथन हुआ है उसके अंदर केवल विष थोड़ी आया था, अमृत आया था, माँ लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी. क्या वो अपनी पढ़ाता था उतने पैसे लेता था उससे ज्यादा नहीं, लॉयर जितनी कोर्ट में हियरिंग करता था उतनी. ये सब लोग तौर से आज बात करूंगा टीचर की. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताने वाला हूं कि कैसे यूट्यूबर करोड़ों रुपया कमा सकता है. और आप लोग तो यूट्यूब पे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, यूट्यूब को आप समझते भी हैं. आपके लिए बता रहा हूं, वीडियो एंड तक रहेंगे ना आपको लगेगा कि आप कुछ वैल्यूएबल लेके गए हो. पहले समझो कि पहला पॉइंट ये समझो कि सोलोप्रेन्योरशिप ये एंटरप्रेन्योरशिप से ज़्यादा अच्छा बिहेव कर रही है. फैक्ट्री खोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको, इंडस्ट्रियां चलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है. अकेला लड़का घर बैठ के सोलो, सोलो मतलब अकेला. एजुकेशन सेक्टर ना कोविड के बाद बहुत हिट हुआ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद हुए, रैपिड अडॉप्शन हुआ. पहले चलता था एड टेक यानी कि एडवर्टीजमेंट टेक्नोलॉजी से, मार्क टेक आया, पर मार्केटिंग टेक्नोलॉजी से फिनटेक आया, फाइनेंस टेक्नोलॉजी से, याद है ना पे यू मनी, पेटीएम, ये वो सब चीज़ें आई. फिर आया हेल्थ टेक यानी कि हेल्थ भी टेक्नोलॉजी से इंप्रूव करेंगे, ब्यूटी टेक, ब्यूटी भी टेक्नोलॉजी से इंप्रूव कर रहे हैं, एडू टेक यानी कि एजुकेशन भी टेक्नोलॉजी से. अब एजुकेशन टेक्नोलॉजी से दी जा सकती है और न केवल एजुकेशन. आज बात करूंगा ए बी सी टी, एनी बडी कैन टीच, ए बी सी टी टी टी. सुनो, पहले चौक और बोर्ड ना अब चले गए, चौक और बोर्ड सब डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट हो गए. डिजिटल गुरु इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आ गए, अब टीचर करोड़पति बन रहे हैं. झूला छाप मास्टर जी वाले दिन गए, डिजिटल मास्टर जी आ गए हैं. आपको मैं स्टेप बाय स्टेप देता हूं, चलते हैं आगे. चलो, कंटेंट क्रिएशन से वेल्थ क्रिएशन कैसे होगा. कंटेंट, कंटेंट, कंटेंट राजा नहीं है, साम्राज्य है. इसका स्टेप यूट्यूब पर ट्रैफिक जनरेट करो और मोनेटाइज करो अपने ट्रैफिक को. तीन स्टेप में समझना जरा मेरी बात को आप. हाँ, बहुत सारा ट्रैफिक ले आओ अपने कंटेंट के दम पे और उसके बाद प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे ट्रैफिक को मोनेटाइज करो. भाई पहले क्या था, आप कोई चीज सिखाते थे, आप खड़े हुए सिखाया पैसा लिया, अगली बार फिर खड़े हुए फिर सिखाया फिर पैसा लिया, फिर तीसरी बार खड़े हुए फिर सिखाया फिर पैसा लिया. मतलब जितना टाइम है उतना ही सिखा सकते हो, उतना ही कमा सकते हो. अब क्या, एक बार सिखाया उसको रिकॉर्ड कर लिया, अब उसी से ही आप सिंगल वीडियो से आप मल्टीपल पेमेंट साइकिल ले सकते हो, आप अनलिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो उसी वीडियो का. जैसे गेम होती है, आपने एक बार वीडियो गेम बना दी, अब लोग उसी वीडियो गेम को कॉपी करते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं. ऐसे टीचिंग में वीडियो गेम आप नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ सिखा तो दे दिया तो वो बात बन सकती है. पता, कैट की पढ़ाई, सिविल सर्विस की पढ़ाई, जॉब की एग्जाम की तैयारी, किंडरगार्टन से सब पहले फिजिक्स आ गया, कन्वेंशनल से एक्चुअल से कंसेप्चुअल. केवल जिसको जिस भाषा में चाहिए, 26 करोड़ स्टूडेंट इस समय ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, 26 करोड़ स्टूडेंट, मार्केट बहुत तेज बढ़ रही है. अब ए बी सी टी को समझो, पढ़ाई का उजाला. आपको टीचर डिजाइनर हो, चेस खेलते हो, गाते हो, स्केचिंग करते हो, गेमिंग करते हो, ट्रैवलिंग करते हो, स्पोर्ट्स, फैशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ड्राइंग, आर्ट, कोई भी चीज़, डू इट योर सेल्फ, इसको डीआईवाई बोलते हैं, टेक्नोलॉजी, एनिमेशन, फोटोग्राफी, कुछ भी आप करते हो. माँ बोलती थी उनकी लड़की है और अपना पूरा बिजनेस बना, 1 मिलियन सब्सक्राइबर, एक टी एस मदान इंग्लिश सिखाते हैं, उत्तर इंडियन हैकर हैं और हमारा अपना भी चैनल है. कितने लोगों के चैनल्स हैं जो आ जाके कुछ भी सिखा रहे हैं और उसको मोनेटाइज भी कर रहे हैं. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने कंटेंट क्रिएटर्स को एक बहुत बड़ा गेन दिया है. हाँ, कोडिंग सिखाने के लिए कोड विद हैरी है पे आ गया, जिनके में कई लोग आप सोचते हो भाई मैं सिखाता हूँ कोई देखने नहीं आता है, तो उसका एक तरीका है. 0 से 1 मिलियन कैसे जाएंगे और एंड में बताऊंगा मोनेटाइज कैसे करोगे, कमाओगे कैसे, आपको कमाने की भी इच्छा है ना भाई. इसके ऊपर देखो, पहली चीज क्या है, आप अपने ऑडियंस को पहचानो, अपने आप को पहचानो. जो मुझको आता है, जो मुझको भाता है, जो बाजार चाहता है, उस पर कॉन्टेंट बनाने का प्लान करो. जो मुझको आता है, जो चीज़ मुझे आती है, जो बाजार को चाहिए है और जो मुझे अच्छा भी लगता है, मैं उसमें गुजर क्या है, इनकम लेवल क्या है, एनालिसिस, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, सामने वाले की जरूरत को पकड़ लो. प्रॉब्लम को दिमाग में रखो कि मैं आज ये सिखा, यानी कि वीडियो जब खत्म हो जाएगा तब तक आपको लगना चाहिए हाँ. एक हम तीन तरह की स्पीच होती है, एक जो आपने तैयार करी, दूसरी जो आपने दी और तीसरी जो आप देना चाहते थे. ऐसा ना हो कि आपने तैयार यूजफुल इंफॉर्मेशन हो, उन्होंने पहले कभी ना उसको एक कोहरेंट सेट, कहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए तो सेल्स का महाकुंभ, स्ट्रैटेजी का महाकुंभ, रिटेल का महाकुंभ, स्टार्टअप का महाकुंभ. उठाए एक टॉप ट्रल मैसेज, एक वीडियो में, हर वीडियो में, हर इंस्टाग्राम के अंदर चेक करो, अपने आप से पूछो कि मैं आज क्या एक सेंट्रल थीम को मैसेज देके उठूंगा. उसके बाद इंस्पिरेशनल इंफॉर्मेशन विदाउट रेपिटेशन,
जो इन्फॉर्मेशन दोगे उसमें इंस्पिरेशन होनी चाहिए उस इन्फॉर्मेशन में, और रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, सेम बात रिपीट ना हो, ताकि उसमें आप वेल पेस्ड हो, अच्छी टाइमिंग हो, कम समय में ज़्यादा कंटेंट दे सके, सामने वाले को थोड़ा वैल्यू, पॉजेज आपके एम्फेसिस फील करोगे तो बात अंदर से आती है। जब आप खाली इंटेलेक्चुअली बोलोगे तो बात यहां से जाएगी, जब दिल से बोलोगे तो दिल को छू जाएगी। मेन मुद्दा यही है, अगर आप अपनी बात को एक लाइन में नहीं कह सकते तो एक घंटे में भी नहीं कह पाएंगे। इसलिए अपनी इफेक्टिव बात को कहने का प्रयास करें, सही समय पर चुप रहना एक पब्लिक स्पीकर की एक अच्छी खास बात भी होती है। बहरहाल आज बात हो रही है यूट्यूबर बनने की, पब्लिक स्पीकिंग की नहीं। तो इसलिए एक समरी तो आज पकड़ के जाना, आपको एक्सटेम्पोर नहीं करना है। आप पहला 30 मिनट कंफर्ट बिल्ड करो, जब प्रिपरेशन करते हो पहले 30 मिनट में कंफर्ट, दूसरे 30 मिनट में कॉन्फिडेंस, तीसरे 30 मिनट में परफेक्शन, यानी कि 90 मिनट तीसरे 30 मिनट नहीं होते हैं। दिया शेयर मार्केट के ऊपर आपने जरूर देखा, शेयर मार्केट इस व्यक्ति को अपने बारे में ज्ञान और श्रद्धा यहीं पे सीख सकता है। एक स्किल है अच्छा यूट्यूबर बनना, आपको मीडियोक्रिटी से बच के रहना है, मेरे को एवरेज काम नहीं करना है, आपको वीडियो ठीक नहीं बना उसको बंद करो स्क्रैप करो दोबारा बनाओ, फिर ठीक नहीं बना बंद करो स्क्रैप करो दोबारा बनाओ, फिर ठीक नहीं बना बंद करो स्क्रैप करो दोबारा बनाओ। शुरू में आपको कई बार स्क्रैप करोगे कोई समस्या नहीं है, लेकिन कंज्यूमर को अच्छी चीज़ देनी है, ये बात याद रखना आपको। अगर आपने ये बात याद रखी बात आपकी बन जाएगी, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें एंथ्यूज़ियाज़्म 206 दिल से ही बात आती है, मैं सिखाना चाहता हूँ जी कम है कि विवेक बिंद्रा कोशिश क्या करिए अपने वीडियो में खुद भी हिलिए और सामने वाले को भी हिला दीजिए। मैं भी ट्राई करता हूँ, हिलता भी हूँ हिलाता भी हूँ सामने वाले को। और अपनी देखो जब फिजियोलॉजी ठीक रहती है तो साइकोलॉजी पे इंपैक्ट आता है, जब मोशन ठीक होता है तो इमोशन पे इंपैक्ट आता है, जब एक्शन होता है तो परसेप्शन पे इंपैक्ट आता है। इन चीज़ों को इंपॉर्टेंट याद रखिए, वर्बल विजुअल वोकल आपका, अगर आप एक यूट्यूबर बन रहे हैं ट्रेंडिंग मतलब जो आज ठीक ना रे अब इस पर कितना कॉन्टेंट बना था। अच्छा अब जब आप यूट्यूबर अच्छे बन गए, मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं, आप अच्छा बोल पा रहे हैं अच्छा कर पा रहे हैं, तो आप हमारे यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। हम भी बहुत सारे प्रोफेसर्स को स्पीकर्स को बुलाते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, बिलियनियर्स और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, 100 मिलियन का हम ग्रूम करेंगे, अब यहाँ तक पहुँचेगा। बैर तो पर्सनैलिटी बनाने वाला, सीताराम छोले भटूरे बनाने वाला है कि नहीं, बिल्ले दी हट्टी ऑफ लाहौर बहुत बड़े छोले, तो ये सब जो कर रहे हैं ये पर्सनैलिटी जबरदस्त है। 50 रुपये की चीज़ 250 में बेचते हैं, लोग खरीद लेते हैं, तो पर्सनैलिटी से प्रॉफिट आता है। पर अगर पर्सनैलिटी में टेक्नोलॉजी जोड़ दिया और स्केल कर दिया तो आपको स्केल भी आएगा और प्रॉफिट दोनों आएगा। मुंबई में मैं गया हाजी अली जूस सेंटर, भाई साहब इतनी बढ़िया आइसक्रीम खिलाता है वो, इतनी बढ़िया फ्रूट क्रीम खिलाता है, इतना बढ़िया सब खिलाता है, लेकिन बड़ा बड़ा लिखा होता है बोर्ड पे, हमारी देश में कोई दूसरी ब्रांच नहीं हमारी देश में कोई दूसरी ब्रांच नहीं। उस भाई को देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे लगता है तू इतने सालों से चला रहा, तेरे लिए शर्म की बात है, तू जिसको गर्व से लिख रहा है कि तेरी को दूसरी ब्रांच नहीं, क्यों नहीं है भाई दूसरी ब्रांच? होनी चाहिए दूसरी ब्रांच, दूसरी नहीं 200-500 हज़ार ब्रांच होनी चाहिए। चाहिए तो बड़ा बिजनेस में आओ, आया था मैं आपकी दुकान पे, कोई उनको वीडियो दिखा देना हाजी अली जूस सेंटर वालों को, आपकी दूसरी ब्रांच भी होनी चाहिए और आपकी पूरी दुनिया में ब्रांच होनी चाहिए। इसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी। पर्सनालिटी के साथ टेक्नोलॉजी जोड़े तो स्केलेबिलिटी भी आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी आएगा, एंट्री बैरियर आप क्रिएट कर सकते हो उससे। तो पर्सनालिटी से प्रोसेस पे कैसे आप एंटर करोगे, दैट्स द मेन। उसके लिए तो बहुत अच्छा करूंगा, सर्विंग कैसे करूंगा, वेब पोर्टल, सब चीज़ों की दिक्कत आती है कि नॉलेज नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, पेमेंट इंटीग्रेशन नहीं कर पाते, कस्टमर से चार्ज नहीं कर पाते, पर ये कोई पैसे नहीं चार्ज करता है, फ्री। एक मिनट के अंदर आप अपनी वेबसाइट बना लेते हो, एक मिनट के अंदर, 60 सेकंड में, आजकल के चार एक मिनट में। आपको वो नहीं है क्या बोलते हैं आजकल होता है ना कि भाई मेरा वाला कूपन कोड यूज़ कर लेना, मेरा वो